चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्पेशली फंक्शन। रिलेशन को कैसे समझना है, फंक्शन को कैसे समझना है, ये हम बहुत डिटेल में कॉम्पिटिटिव वाले पोर्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हमारा टारगेट है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कवर करना, तो एक बेसिक थ्योरी रिविजन के साथ मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा। बट मैंने सेट के समय भी आपको बोला था और रिलेशन फंक्शन के समय भी, स्पेशली फंक्शन के लिए, कि फंक्शन को मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाने की आदत है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप फंक्शन डिटेल में पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी की बुक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। तो नंबर वन बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है, हम सबसे पहले समझें। ऑर्डर पेयर्ड, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ द टाइप ए कॉमा बी, ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड रिटन एज ए इन बी। सपोज एक ए है, हम समझें ए है 1 2, बी है सपोज ए बी। अगर मैं बोलूं आपसे कि फाइंड ए क्रॉस बी, तो हमें ऑर्डर पेयर्स लेने होंगे, तो क्या क्या होंगे, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। सपोज अगर आपसे मैं बोलता फाइंड बी क्रॉस ए, तो आप क्या करते, बी क्रॉस ए में बी पहले आता फिर ए आता, तो आप लिखते ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, बी कॉमा वन एंड बी कॉमा टू, राइट। इसलिए हम बोलते हैं इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये हम इनको बोलते हैं ऑर्डर पेयर्स, राइट। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन या रिलेशन, एंड जो सेकेंड पार्ट है इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन, राइट। अगर सपोज मैं आपसे यहाँ पर ए क्रॉस ए बोलता, वो भी निकाला जा सकता है। देखिए ए क्रॉस बी में याद रखिएगा, ए बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ ए, बी बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ बी। अब ए क्रॉस ए बोला है तो हमें वन के साथ ही देखना है, मीन्स 1 1 1 2। ऐसा सोचिए एक और ए लिखा आपके पास, 1 1 1 2, नेक्स्ट 2 1 एंड 2 2, राइट। ये ऑर्डर पेयर हो गया। सपोज मैं आपसे बोलूं कि बी क्रॉस बी बताइए, तो आप क्या होगा, बी के साथ ही बी का मल्टीप्लाई करना है, मीन्स ए ए, ए बी, बी ए एंड बी बी, लाइक दिस, राइट। अब सपोज मैं आपसे बोलूं, सपोज ए है 1 2 और मैं आपसे बोलूं फाइंड ए क्रॉस ए। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो ए में 2 एलिमेंट है, तो 2 into 2 into 2, 8, यानी 8 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, देखिए ए 1 2, ए 1 2, राइट। सॉल्व करने का अप्रोच ये हो सकता है कि सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालें, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2, राइट। अब इसके साथ ए का मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्रॉस ए, इस ऑर्डर पेयर को एक सिंगल माने तो क्या होगा, बोलिए 1 1 1 1 के साथ किया, अब सबके साथ करेंगे 1 1 1, इस वन के साथ किया 1 1 2 1 2 1 1 2 2, एंड सिमिलरली जब 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा 2 1 1 2 1 2 2 2, ऐसे एंड का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए इन टू ए इन टू एन टाइप्स भी कर सकते हैं, एंड दिस इज 2 2 2, राइट। यस, एक्सरसाइज के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिलेशन को। एक्सरसाइज के साथ थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा, डिटेल हम थ्योरी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर बोलूंगा अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करें तो जो मैंने डिटेल थ्योरी आपको कवर करवाई है आप उसको करने के बाद ही एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 2 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, इक्वल करे हुए हैं। 2 ऑर्डर पेयर इक्वल जब भी हो सकते हैं, जैसे मैं लिखूं ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर इक्वल टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ, ये जब भी हो सकता है जब ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो। इस मीन्स कि यहाँ पर हम बोलेंगे एक्स बाय थ्री प्लस वन इक्वल टू 5/3, देयर फोर एक्स बाय थ्री इक्वल टू 2/3, तो एक्स इक्वल टू कितना 2। सिमिलरली y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, देन y इक्वल टू 3/3 1, तो क्या आ गया x एंड y की वैल्यू 2 कॉमा
वन, नोट डाउन. यस, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. देखिए क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है. इफ द सेट ए हैज थ्री एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए थ्री, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो थ्री, फाइंड द एलिमेंट ऑफ एन ए क्रॉस बी. याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इज सिंपल एन ए इन टू एन बी. राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए वन इन टू ए टू, एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए थ्री ए फोर ए एन, देन दिस इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए वन, हमने एक एग्जाम्पल लिया भी था ऐसा, इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए टू इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए थ्री अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए एन. राइट, तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, थ्री इंटू थ्री, दिस इक्वल टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट इज नाइन. यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते, देखिए क्या है, इफ जी इक्वल टू सेवन कॉमा एट एंड एच इक्वल टू फाइव फोर टू, फाइंड जी एच, जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी. तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं जी क्रॉस एच की बात करूं, तो जी क्रॉस एच मीन्स जी और एच के कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे सेवन फाइव सेवन फोर सेवन टू. आगे जाके जब रेंज डोमेन ये सब पोर्शन खैर ट्वेल्थ में मिलेगा, पर आपको आइडिया दे रहा हूँ, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कहलाता है डोमेन, सेकेंड पार्ट जो होता है वो कहलाता है रेंज. नेक्स्ट बात करूं तो 8 फाइव एट फोर एट कॉमा टू. राइट, एंड सेकेंड क्वेश्चन है एच क्रॉस जी. सिंपल, एच क्रॉस जी में याद रखिएगा, एच पहले जी बाद में, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर सेम होंगे, तो 5 सेवन फाइव एट फोर सेवन फोर एट टू सेवन एंड टू एट. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, थ्री क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें प्रूफ बताना है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स है तो वाई. जैसे स्टेटमेंट वन देखे, इफ अगर मैं स्टेटमेंट वन को देखूं तो क्या है, देखिए इफ पी इक्वल टू एम एन क्यू इक्वल टू एम एन. राइट, अब आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्रॉस क्यू के कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू मीन्स टू इंटू टू फोर, बट यहाँ पर कितने दिए हुए हैं टू, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट है जो फॉल्स है. फॉल्स है तो इसको करेक्ट करना है, तो सिंपल P क्रॉस Q अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलते M कॉमा N, M कॉमा M, M कॉमा N, N कॉमा M एंड N कॉमा N. राइट, सेकेंड क्वेश्चन देखें, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर x कॉमा y सच दैट x बिलोंग टू A, x y बिलोंग टू B, दिस इज ट्रू. यही डेफिनेशन होती है ऑर्डर पेयर की. एंड थर्ड देखें, ए वन कॉमा टू बी थ्री कॉमा फोर देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू. वाई, बिकॉज बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ए क्रॉस एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी सेट. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स आर, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू. नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव काफी सिंपल अच्छा क्वेश्चन है. देखिए कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी बुक सॉल्व करना, मैं हमेशा बोलूंगा अच्छा है होता है, यानी एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने का लॉस नहीं बेनिफिट है, बहुत बेसिक अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करें. स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बाद आप एडवांस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको हमेशा फायदा ही होगा. अब ए इक्वल टू दिया माइनस वन वन, फाइंड ए क्रॉस ए, इस तरह का एक एग्जाम्पल लिया भी था मैंने. इसमें ऐसा सोचिएगा आप, इसमें सोचने का तरीका ये होता है कि आप या तो ए क्रॉस ए वन टाइम कर लें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस ए में, अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे तो आप बोलते एन ए इन टू एन ए इन टू एन ए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते एट, टू इंटू टू इंटू टू. अब एट एलिमेंट्स मतलब एट ऑर्डर पेयर्स होते. अब इस ऑर्डर पेयर्स को निकालने का एक तरीका है कि आप पहले ए क्रॉस ए निकालें या डायरेक्टली भी निकाल लें चलेगा. राइट, क्या करेंगे देखिए, अब स्टार्ट करेंगे इस माइनस वन के साथ, तो माइनस वन, माइनस वन के साथ माइनस वन, ठीक है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, फिर माइनस वन वन माइनस वन. राइट, माइनस वन के साथ देखिए क्या किया, माइनस वन के साथ माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, सॉरी माइनस वन के साथ इस प्लस वन को लिया, तो यहाँ का माइनस वन ले सकते हैं,
फिर लिया माइनस वन, अभी फिर माइनस वन, कोई भी एक ऑर्डर ले सकते हो आप। जैसे अभी आपने अगर फर्स्ट फर्स्ट लिया है तो वैसे ही कर लो आप, बल्कि माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन। अब इस माइनस वन के साथ, इस माइनस वन के साथ यहाँ के दोनों एलिमेंट हो गए। अब इस माइनस वन के साथ हम लेंगे माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन वन वन, राइट। ये देखिए फोर पेयर आ गए। अब इस वन के साथ स्टार्ट करिए तो वन, फिर यहाँ का माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन वन, राइट। वन वन माइनस वन एंड वन वन वन, राइट। ये हो गया ए क्रॉस ए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे अगर हम आए तो आपसे बोला ए क्रॉस बी गिवन है, फाइंड ए एंड बी बताना है। अब ए क्रॉस बी में अगर टोटल फोर ऑर्डर पेयर हैं तो इसका मतलब टू इंटू टू होगा, तो ए क्या होना चाहिए? ए डोमेन से पता चल जाएगा ए कॉमा बी, और यहाँ पर अगर हम बी देखें तो एक्स कॉमा वाई, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है। लेट ए इक्वल टू वन कॉमा टू एंड बी इक्वल टू वन टू थ्री फोर, सी फाइव कॉमा सिक्स, डी फाइव सिक्स सेवन एट। वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। देखिए किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो जैसे इसका मैं देखूँ तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए यू इंटरसेक्शन सी, ये वेरीफाई करना है, राइट। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन। अब बी और सी में अगर हम देखें तो ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये हुआ एलएचएस। अब आरएचएस पे आए तो ए इंटरसेक्शन सी, पहले हम ए इंटरसेक्शन सी बताएं क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है अगेन एम्प्टी सेट होगा, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ऑब्वियसली एम्प्टी सेट होगा। ए क्रॉस बी निकालने की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाई। अब यहाँ पर बोला है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले ए क्रॉस सी अगर मैं आपसे बोलूँ क्या होगा, तो आप ए क्रॉस सी बोलेंगे वन कॉमा फाइव वन कॉमा सिक्स टू कॉमा फाइव एंड टू कॉमा सिक्स, राइट। अब ए क्रॉस सी के बाद अगर मैं बात करूं कि बी क्रॉस डी क्या होगा, तो बी क्रॉस डी में बी और डी लेंगे तो क्या आएगा, वन कॉमा फाइव। अब इसमें फोर इंटू फोर है, बस आप ये देख लीजिए कि वन टू अगर इसमें है तो बी में वन टू है कि नहीं, और डी में फाइव सिक्स है कि नहीं, बिल्कुल है, तो ये इसका सबसेट ही हुआ, यानी ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, राइट। सारे एलिमेंट लिख के बता सकते थे, पर ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन हुआ, आप एलिमेंट से भी पता कर सकते हैं कि सबसेट है या नहीं है, राइट। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। देखिए क्या है, ए इक्वल टू वन टू बी इक्वल टू थ्री फोर, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। सिंपल है, देखिए ए क्रॉस बी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर होंगे वन थ्री वन फोर, राइट टू थ्री टू फोर, ये इसके सबसेट हो गए, सॉरी ये इसके ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर हो गए। अब ए क्रॉस बी के सबसेट बोले हैं तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट है फोर, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, अगर हम देखें तो टू पावर फोर यानी सिक्सटीन, तो टोटल सिक्सटीन सबसेट बनेंगे। कौन कौन से होते हैं वो भी लिखते हैं हम। अब देखिए कभी भी याद रखिएगा, एक तो सबसेट सबसे पहला हो गया। अब सबसेट की बात करूं, एम्प्टी सेट कॉमा वन कॉमा थ्री, ये ब्रैकेट में ही लिखिएगा आप, वन कॉमा फोर सिक्सटीन लिखना है। कंसेप्ट देखिए, यही कंसेप्ट बिल्डिंग होती है, बिल्कुल लिखिए, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं पर ये सब काम में आती हैं। टू थ्री टू फोर, राइट, ये वन के कॉम्बिनेशन हो गए। फिर अब आप लोगे लेंगे टू के कॉम्बिनेशन, तो क्या क्या हो जाएंगे, वन थ्री वन फोर, राइट। देखिए वन थ्री वन फोर ये आपने ब्रैकेट में लिखा, नेक्स्ट आप लिखेंगे वन थ्री के कॉम्बिनेशन से बनाइएगा, वन थ्री टू थ्री, नेक्स्ट वन थ्री
ऐसा सोचा करिए कि अगर मैं वन के साथ लूंगा तो टोटल कितने बनेंगे, राइट? 1, 3, 2, 4, राइट? फिर 4c2 है, दो दो के कॉम्बिनेशन ले लें, अभी हम ले रहे हैं तो 4c2 6 होता है। अभी देखिए 1, 2, 3 लिखा, अब आप 1, 4 पे आ जाइए, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 4 एंड लास्ट इज 2, 3, 2, 4। ये देखिए 6 आ गए। अब 3, 3 ले लीजिए तो 4c3 कितना होता है, 4, अब वो ले लीजिए, ये 6 हो गया। देखिए 6 + 4 = 10 + 1 = 11, 11 + 4 = 15 + 1 इटसेल्फ होगा, तो इस तरह से टोटल 16 मिलेंगे। अब 3, 3 के कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, राइट? फिर क्या होगा बोलिए, 1, 3, 1, 4, 2, 4, फिर क्या होगा, 1, 3, अभी देखिए 1, 3 के साथ आपने 1, 4 लिया था, अब 2, 3 ले लीजिए एंड 2, 4, एक ये भी हो जाएगा, कौन सा, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4, राइट? एंड लास्ट वन इज कंप्लीटली, तो 1, 3, इस तरह से टोटल 16, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4, नोट डाउन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्या, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2 इफ x, y, 2, z, 1 आर इन ए क्रॉस बी, मीन्स ए क्रॉस बी के ही ये कोई सबसेट्स होंगे, लाइक टोटल तो 6 मिलेंगे पर इसमें आपको कुछ दिए हुए हैं y2, z1 एंड दिस। फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एलिमेंट, राइट? अब वैसे तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, डोमेन एक्स वाई जेड, और बी क्या होगा, बी में 2 ही एलिमेंट दिए हैं और आपको अलग अलग दिख रहा है, 1, 2 रेंज से समझ में आ गया 1, 2। बट लॉजिकली अगर आप करते हैं तो x, 1 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, इसमें x बिलोंग टू ए एंड 1 बिलोंग टू बी, राइट? सिमिलरली y, 2 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मीन्स y बिलोंग टू ए एंड 2 बिलोंग टू बी, एंड z, 1 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मीन्स z बिलोंग टू ए एंड 1 बिलोंग टू बी। तो आप उसको भी देख के लिख सकते हैं कि ए में जो होंगे कंपोनेंट एक्स वाई जेड होंगे और बी में जो होंगे कंपोनेंट 1, 2 होंगे, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10th क्वेश्चन, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, ध्यान रखिएगा ए क्रॉस ए ही दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9 की बने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए क्या होता है, एन ए इन टू एन ए, मीन्स 9 इक्वल टू एन ए का स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो एन ए इक्वल टू 3, यानी 3 एलिमेंट्स होंगे। अब बोला क्या, विच आर फाउंड, इसमें कुछ फाउंड किए, -1, 0 बिलोंग टू ए क्रॉस ए एंड सिमिलरली 0, 1 बिलोंग टू ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए बताना, सिंपल है। यहाँ पर -1 बिलोंग टू ए होगा एंड 0 इज ऑल्सो बिलोंग टू ए, 0 बिलोंग टू ए एंड 1 बिलोंग टू ए, ये हमें ऑलरेडी पता है कि टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, -1, 0 एंड 1, राइट? नोट डाउन।